नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। ग्वालियर के भितरवार के ग्राम संदलपुर आंतरी में पाला पड़ने से पान की फसल नष्ट। विधानसभा भितरवार ग्राम संदलपुर आंतरी में पाला पड़ने के कारण पान की फसल नष्ट होने को लेकर किसानों ने फरवरी माह में ग्वालियर आकर भाजपा विधायक एवं जनसेवक मोहन सिंह राठौर को ज्ञापन दिया एवं राठौर ने किसानों को उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की थी। तब अधिकारियों से बात कर फसल नुकसान का सर्वे कराकर किसानों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा, जिसको लेकर भाजपा विधायक एवं जनसेवक मोहन उल्फत सिंह राठौर ने आज 101 किसानों को 11 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि की स्वीकृति पत्र दिया। ग्वालियर से सूरज मलावरिया की रिपोर्ट। आज स्वीकृति पत्र बांटेगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज से करीबन दो ढाई तीन चार महीने पहले पान की खेती का यहाँ पाले से बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ था। उसके बाद आचार संहिता लग गई, जिसके कारण हम वितरण नहीं कर पाए। लेकिन हमने लगातार जब नुकसान की जानकारी मिली उस वक्त से लेकर लगातार इसके पीछे हम प्रशासन से बात करते रहे और प्रशासन से बात करके आज करीबन 11.5 लाख 101 किसानों को मुआवजा हमने दिया है, उसका पान वाले किसानों को, क्योंकि चौरसिया समाज जो पान की खेती करता है, इसका पान बंगाल से लेके और पाकिस्तान तक, दिल्ली तक, लखनऊ, पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी ये पान जाता है। तो अगर ऐसे किसानों को कभी कोई नुकसान होता है तो सरकार उनके साथ खड़ी है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता, साथ ही भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़े हैं और उनका जो आज नुकसान है उसके क्षतिपूर्ति हमने 11.5 लाख रुपए आज जिंदाबाद।